गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जिसमें हम मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो गवर्नमेंट के लिए काम आती है, और कुछ चीज़ जो होगी जो आपके 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के बेस में भी काम आती है, उन बेसिक्स को हम सीखेंगे आज। तो वो क्या बेसिक्स होंगे, क्या होंगे, वो हम आपको बताएंगे आज। तो बात ये है कि हमारा जो ये जो है आकाश दिल्ली एजुकेशन ट्यूशन जो क्लासेस मैंने जो चालू किया है, जिसमें आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, हर तरह की जो आप चाहते हो सब मिलेगा। आपको कुछ नहीं, इस पे जाना है और रोज हमारी क्लासेस होगी और आपको अटेंड करना है। अभी स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग क्लास होगी, रिकॉर्ड वीडियो होगी, तो धीरे धीरे करके लाइव भी हम करेंगे, ठीक है। इसमें आपको टैली से रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जो होगा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। टैली का आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा कंप्यूटर से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर रखे हैं मैंने टैली से रिलेटेड, जिसने नहीं देखा वह जाकर देखें चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपको स्क्वायर क्या बताऊंगा, स्क्वायर जो बहुत ही लोगों का बेसिक है, स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा होगा ढंग से। तो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में आपको बताने जा रहा हूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बताना चाहूंगा। पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर का अगर मैं बोलूं, जैसे स्क्वायर का मतलब ही हो गया एक तरह से, अगर मैं बोलूं सिंपल भाषा में, जिसमें बोला तीन को स्क्वायर बताओ, तो तीन का स्क्वायर ये दिख रहा होगा आपको, तीन का स्क्वायर ये, तो ये स्क्वायर होता है। तीन का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ठीक है। तो इसका तीन स्क्वायर का मतलब हो गया तीन को तीन से मल्टीप्लाई, जैसे 3 × 3। अगर मैं बोलूं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 × 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 को 6 से मल्टीप्लाई, तो बराबर कितना होगा, 36। ये आपने पढ़ा होगा, यही बात। लेकिन आपको हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो आप जो अगर इस खत्ते से कितना ही कितना बड़ा स्क्वायर क्यों ना हो, वो आप 10-15 सेकंड में, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई 5 सेकंड में आप निकाल लोगे। 5 सेकंड में अगर आप प्रैक्टिस रोज करते हो तो आप 5 सेकंड में उसका आंसर निकाल लोगे। आंसर जो आपके गवर्नमेंट में जो ऐसे सी रेलवे वगैरह में आते हैं, तो आप 5 सेकंड में उसका आंसर चुटकियों में निकाल लोगे, मुंह जवानी, ठीक है, 5 सेकंड में, ठीक है। और जो बंदे नॉर्मल है, फ्रेशर, जो थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा हिचकते हैं, डरते हैं थोड़ा सा मैथ्स वगैरह में, वो थोड़ा जिनकी स्लो स्पीड से होती है, वो भी 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, 20 या 15 सेकंड में। ऐसी ट्रिक मैं तुमको बताने वाला हूँ स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा, स्क्वायर ये होता है। और स्क्वायर रूट की अगर बात करें, स्क्वायर रूट का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। तो वर्गमूल हम ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा ऐसे वर्गमूल ऐसे बनाते हैं, जैसे हमने बोला कि आपको 36 का वर्गमूल बताइए, ठीक है, 36 का वर्गमूल बताइए, तो ये वर्गमूल हो गया, ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। क्यों, क्योंकि 6 का 36 होता है वर्गमूल, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको अगर बताऊं
इसको बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले स्क्वायर पे आते हैं उसके बाद हम आगे से लेते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरे पास कॉपी आप देख सकते हैं, इसे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर बता रहा हूं पहले मैं, 108 का स्क्वायर। अब ये दरअसल बच्चे ये कैसे करेंगे, अब जिसका ट्रिक उसको जिसको नहीं पता होगा वो कैसे करेगा इसको, वो ऐसे करेगा 108 जो है 108 को 108 से मल्टीप्लाई, आदमी पागल हो जाएगा 108 को 108 से मल्टीप्लाई करते करते, समझ रहे हैं। ये तो एकदम 108 है, कभी मान लो ये आ गया कि 909 का स्क्वायर, तब आदमी क्या करेगा 909 × 909 करेगा, ठीक है, यही करेगा, आदमी पागल हो जाएगा इनसे। हमें ऐसा नहीं बताना है, हमें ऐसा नहीं बताना है, हमें क्या बताना है वो देखिए। हमें क्या बताना है वो देखिए, तो मैंने बताया 108 के स्क्वायर, ठीक है। अब तुम ये देखो जो 108 है ये किसके नियर आता है, 108 जो है वो किसके नियर आता है, आप ये देखिए, समझ रहे भाई बात, जो 108 है वो किसके नियर आता है आप वो देखिए। तो 108 है ये 100 के नियर आता है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 100 ऊपर, ठीक है, 100, ठीक है। अब ये तुम्हें इनमें डिफरेंस देखो, 100 और 108 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का, तो एक प्लस में एक मतलब पॉजिटिव में लिखेंगे एक बार नेगेटिव में लिखेंगे, एक प्लस 8 एक माइनस 8, ठीक है, जाहिर सी बात है ये ट्रिक है, क्या है ये ट्रिक, ट्रिक काम कर रही है, देखो ट्रिक कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। तो एक प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये आपको दो संख्या में आपका आंसर होना चाहिए, मतलब दो संख्या में, जैसे आप ये करोगे 8 के इसको जो ये आया है जो नेगेटिव का जो पॉइंट आया है 8, इसको आप स्क्वायर करना है, जाहिर सी बात है आज का संबंधों को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 5, ठीक है, तो 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 49 है, 9 का 81 10 का 100, ये हमारे वर्ग है, क्या है ये वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो जिस बंदे को याद नहीं है वो याद कर ले, 10 तक तो मिनिमम है जो आज का बंदों को याद रहता है, ठीक है ना, वो याद कर ले। तो जो हमारा ये है 8 का जो हम जो डिफरेंस आएगा उसका हमें स्क्वायर कर लेना है, जो डिफरेंस आएगा 8 का, तो 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64। अरे मैं एक ट्रिक काम करती कि ये दो है ना, ये अगर हम स्क्वायर करने पर ये अगर दो संख्या आती है तो ट्रिक काम करता है, दो संख्या आती है तो ट्रिक काम करता है, ठीक है ना, दो संख्या। अगर मान लो कभी यहाँ पे 3 का ऊपर डिफरेंस है, 3 का आ जाए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, हमें दो संख्या मेंटेन करना है, हमें दो संख्या मेंटेन करना है, ठीक है, 2 डिजिट मेंटेन करना है, 2G मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 0 करते हैं, ठीक है, बात समझ में। अभी 2G का बताया, फिर उसका पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है, तरीके से क्वेश्चन बताएंगे आपको, आप देखते रहिए, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर आपको कर लेना है, जो डिफरेंस आया उसका कितना है 64, लिख देना है, 64 आपको लिख देना, ठीक है। फिर आप ऐसे करना, भी 108 है, 108 में आपको 8 जोड़ना है पहले, देखो ऐसे इसको रफ करना है, 108 में प्लस 8 आपको करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, 108 में आपको 8 माइनस करना है, एक बार 108 में 8 जोड़ना है, 108 में 8 लेस करना है, और भाग लगाना है 100 का, भाग लगाना है 100 का, ये फिक्स है, ये फिक्स है, आपको भाग 100 का ही लगाना है, चाहे जितने से बड़ा आ जाए, जितना ही बड़ा क्यों आ जाए, अभी ये 100 का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन 2G डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपन की जो संख्या है ये 100 के नियरेस्ट होती है, क्योंकि ये जो है अपन 3 संख्या है,
तो उन तीन संख्या को एक दो तीन, तो तीन संख्या भाग लगाया जाता है, ठीक है। हम आपको 101 से लेकर 999 तक, 101 से कितना, 101 से 999 तक कैसे स्क्वायर निकलेगा ट्रिक से वो आज बताया जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भाई 1001 से लेकर जितने भी हो वो कैसे निकलेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप पहले थोड़ा ट्रिक सीखिए, बात समझ आ गया आपको। तो इनमें आपको 108 में 8 जोड़ा कितना आया, 116 आपको दिख रहा होगा, 116 इंटू 108 में 8 लेस कर दो कितना के 100, भाग में बता दिया मैं फिक्स लगेगा, 100 का भाग लगेगा, ठीक है। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 116 आ गया, 116 आ गया, ठीक है। अभी 116 को यहां आंसर में लिख देना है, क्या लिख देना है, 116 का आंसर लिख देना है। और ये पहले का 64 था और ये 116 का जो आंसर आया, तो हमारे इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 116 64 64, ये हमारा स्क्वायर निकल गया, ये हमारा स्क्वायर निकल गया। बच्चों सब कैलकुलेटर में 108 इंटू 108 करो, मल्टीप्लाई करो दो, मतलब 108 इंटू 108 करो, तुम्हारे 1164 आएगा, तुम्हारा 11664 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये ट्रिक हो गया, ठीक है। जिस जिसको समझ में नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अपना नाम और क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। और करवाते हैं आपको, और ऐसे क्वेश्चन आपको करवाते हैं। स्क्वायर लिख लेना, जिसको याद नहीं स्क्वायर लिखे हैं 110 तक, तो स्क्वायर मिनिमम है, याद कर लेना ही चाहिए, बच्चों को आता है, तो छोटे बच्चों को याद होता है, चार चौथी पांचवी क्लास पढ़ करने वाले बच्चों को। देख लीजिए अगला मैं लिखने वाला हूं, जैसे 495 का स्क्वायर, 495 का स्क्वायर, ठीक है। अब 495 कैसे काम करेगा, 495 का स्क्वायर है भाई, ये 495 देखो किसके नजदीक है, 500 के नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, 500 के नियरेस्ट है। अब मैंने वही बताया डिफरेंस, इसको एक प्लस में माइनस में, डिफरेंस कितने का है, 5 का, एक प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, तुमको ये दिख लिया जो 5 जो ऊपर जो पॉजिटिव है, ये जो 5 जो डिफरेंस आ रहा है, इसका आपको स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर कर ले, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है, यहां से लिख देना। अब 495 में आपको 5 जोड़ना है इंटू 495, 5 आपको लेस करना है और भाग लगेगा 100 का, फिक्स, ठीक है। 495 5 जोड़ा कितना हो गया 500 इंटू 495 490 भाग 100, ठीक है। दो जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, 5 इंटू 490 कर दो, 5 इंटू 490, 490 इंटू 5 किया मैंने जो 0 है ना, 9 पंजे, अगर 9 दिन 18, 9 चौके 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 4 ऊपर, 5 चौक 20 और 4 24, कितना आ गया 2450, कितना आ गया 2450 आ गया। और यहाँ पे 2G मेंटेन हो ही रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2450 और ये हमारा आंसर आ गया 2450 25। करो चेक करो आंसर इसका, अगर आंसर गलत आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। देखो इसका आंसर ये नहीं है, देखो मेरा नाम बदल दूंगा, 2425 25, सही है, देख लीजिए सही है, हमारा कंप्यूटर जी ने बोल दिया कि सही है बात। तो ये है कि इस प्रकार से आपको निकाला जाएगा स्क्वायर। चलो एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो 115 का स्क्वायर बताओ, 115 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 115 का स्क्वायर तो वही रहेगा, 115 के स्क्वायर में वही रहेगा, ये देखो किसके नजदीक है, 100 के नियरेस्ट है, एक बार डिफरेंस को प्लस, एक बार डिफरेंस को प्लस में, एक बार डिफरेंस को माइनस में लिखेंगे, प्लस 15 माइनस 15, ठीक है, ऐसे लिख देंगे अपन। और 115 है तो जो डिफरेंस है इसका आपको स्क्वायर कर लेना है,
तो 15 की स्क्वायर चिंता करने की बात नहीं है। 15 के स्क्वायर कितना होता है, 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 के स्क्वायर 225 होता है ना। 15 के स्क्वायर कितना हो गया, 225। ठीक है, आपको 225 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, मैं इसे बोला 115, मैं 15 जोड़ेंगे, 115 प्लस 15 इंटू 115 में 15 लेस करेंगे और भाग लेगा 100 का, तो 115 प्लस 15। अब तुम देखोगे 115 प्लस 15 कितना हो गया, 130 इंटू 115 में 15 गया कितना हो गया, 100 भाग 100, दो जीरो कैंसिल, 130 बच गया, 130 इधर आ गया। अब मैं तुमको बता 130 में यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये बात मेरी बात सुनो, मैंने जब बताया था कि तो पहले बात, जब आप जो डिफरेंस आप इसको स्क्वायर करोगे वो टू डिजिट मेंटेन होना चाहिए, टू डिजिट ही मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, टू डिजिट ही मेंटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर किया तो क्या था, तीन डिजिट मेंटेन हो रहा है, क्या तीन डिजिट मेंटेन हो रहा है, लेकिन हमें करना है टू डिजिट मेंटेन। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आप पे 225 आ रहा है, इसमें जो ये लास्ट वाला जो अंक है जो आ रहा है, इसको आपको इसमें प्लस कर देना है। ये जो लास्ट में जो तीसरा अंक आ रहा है, इसको आपको जो ये हमारा 130 आया है उसमें जो ये आ रहा है उसको आपको प्लस कर देना, मतलब 130 में ये 2 प्लस कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 132 और 25। 132 25 ये आंसर आ रहा है। देखो कंप्यूटर महाशय सही है क्या, 132 25 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर करेक्ट है हमारा, 132 25 ANS। बताइए किसको कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, तीन डिजिट वाले भी अगर आ जाए तीन मेंटेन करो, और जो तीसरा डिजिट जो आएगा उसको जो संख्या हम प्लस माइनस करने के बाद गुणा करने के बाद जो आएगा ये उसमें आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो तीन डिजिट वाले एक और बार करते हैं, बच्चों को नहीं आया समझ में, एक और बार करते तीन डिजिट वाला। ठीक है, तो देख लीजिए दोबारा, देख लीजिए। ठीक है, फिर बताओ मैं आपको, हाँ 318 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, 318 का स्क्वायर बताएंगे सब लोग, क्या होता है 318 का। ठीक है, तो 318 का स्क्वायर बताएंगे क्या होता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर किसी को ऑफलाइन जो अगर नजदीक है कोई यहाँ से कोई देख रहा है तो ऑफलाइन मैं पढ़ाने आ जाऊंगा ट्यूशन की तरह। ठीक है, तो संपर्क करें। ठीक है, संपर्क करें। ठीक है, तो सब बच्चे 318 का स्क्वायर निकालेंगे, कॉपी में लिखो, जो जो वीडियो देख रहे हो कॉपी में लिखो, 318 का स्क्वायर निकाल कर आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो 318, अब जो 318 है 318 किसके नियर है, 300 के नियर है, तो डिफरेंस क्या प्लस में वर्ड माइनस में, प्लस और माइनस में लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, ये 18 जो डिफरेंस है इसके स्क्वायर करना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 के स्क्वायर में हिसाब से 336 कितना होता है, 336 सॉरी 324 सॉरी 324
324 होता है 1800 का, ठीक है 1800 कितना होता है 324, ठीक है 324 होता है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको 318 जोड़ना है, 318 में 18 जोड़ 336 इंटू 318 में 18 300 भाग लगेगा 100 का, जो मैंने बोला कि दो कैंसिल 336 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना 1008, ठीक है 1008 आ जाएगा, 1008 आ गया, 1008 को मैं यहाँ लिख दूंगा। लेकिन मैंने जैसे कहा था स्क्वायर करने पर दो डिजिट मेंटेन होना चाहिए, लेकिन तीन डिजिट है यहाँ पे, तो तीसरा जो ये होगा इसको यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो 1008 में तीन जोड़ते कितना हो गया 1011, और ये आंसर अपन का 24। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1011 24, ये हमारा आंसर है। बोलो ये आंसर आया कि नहीं आया, चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में SSC GD जितने भी है NTPC रेलवे सब चुटकियों में निकलेगा, सब चुटकियों में। अगर मेरा वीडियो अगर देख लिया सब चुटकियों में निकाल लोगे। पेपर 90 मिनट का होता है, तो मैथ्स का जो 25 नंबर का सवाल रहता है मेरे हिसाब से SSC में, वो 25 में से आप मेरे हिसाब से जो 25 के 25 पूरे क्वेश्चन आप कर लोगे, उसमें से आप टाइमिंग आपका रहेगा सिर्फ आपका 5 मिनट, 5 या 6 मिनट, 5 या 6 मिनट या 7-8 मिनट से आप, मतलब मान के चलो कि 6-7-8 मिनट में आप 25 क्वेश्चन पूरा कर लोगे। मैथ्स का ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको, एसएससी ट्रिक सिखाऊंगा जो आप कर लो, एसएससी ट्रिक जो तुम्हें आंसर दिलाएगी, आंसर से तुम्हारा ऑप्शन में वो होगा, आंसर तुम्हें आ जाएगा उसका, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी बंदों को। अब आपने ये तो बता दिया कि 318 308 108 जो मतलब 100 के बहुत ज्यादा ही करीब है, कि भाई कोई 18 करीब होता है, कोई 15 करीब होता है, ठीक है कोई 20 करीब होता है, ऐसे बता दिया आपने। मान लो कि कोई अगर 35 करीब हो, कोई 40 करीब हो, कोई 50 करीब हो, तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं, तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। तो दवा के वीडियो को लाइक करें, आज से भी स्क्वायर का चलेगा, कल मैं आपको रूट बताऊंगा स्क्वायर रूट, कल आपको क्या बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट, डिफरेंस आपको बता ही चुका हूं मैं, कल आपको स्क्वायर रूट बताऊंगा, वर्ग मूल में क्या वर्ग मूल, आज स्क्वायर की तबाही है, क्या है तबाही, स्क्वायर की तबाही, स्क्वायर की तबाही आज है। तो देखिए कैसे निकलता है, देखिए तो मैं आपको लाया हूं आज निकालो इसका कॉपी में 453 स्क्वायर से 10 सेकंड आपके पास आंसर निकालो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्क्वायर किसी को याद नहीं रहता है भाई, हम तो सॉल्व कर रहे हैं ट्रिक से, शॉर्ट तरीके से, तो तुम देखो 453 किसके नहीं आता है, 450 के। तो डिफरेंस कितना गया, डिफरेंस को +3 -3 ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आता है, लेकिन मैंने बोला था 2 डिजिट मेंटेन करना है, तो ये आगे 0 लग जाएगा 09, ठीक है 453 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 456 इंटू 453 लेस करेंगे 450, भाग लगेगा वही 100 का,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 4.5, 456 इंटू 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 456 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 456 4.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करो 456 इंटू 4.5, तो देखिए कितना आया, 456 इंटू 4.5 किया 250, 20 आया, यहाँ पॉइंट है एक संख्या के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 205, 2 लेंगे 205 2, और ये हमारा आंसर हो गया 20 52 09, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर क्या हो गया 20 52 09, ये इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो घर के लिए क्वेश्चन नोट करो फटाफट, घर के लिए क्वेश्चन नोट करो, घर पे जिसका आंसर निकल जाए वो कमेंट करना है सबको और आगे शेयर करना है, जिसको स्क्वायर में निकालने में कोई प्रॉब्लम हो, कल स्क्वायर रूट की तबाही होगी, आज स्क्वायर की तबाही, कल स्क्वायर रूट का कांडा होगा, निकालो दे रहा हूं घर पे मैं 300 लिखो 120 का स्क्वायर नोट करेंगे, IWA आपका IW 120 का स्क्वायर, दूसरा नोट करो 160 का स्क्वायर, तीसरा नोट करो 205 का स्क्वायर, चौथा नोट करो 881 का स्क्वायर, पांचवा नोट करो 990 का स्क्वायर, जो ट्रिक मैंने बता दिया हूं वो ही ट्रिक से ही निकलेगा, जो ट्रिक बता दिया, 5-10 क्वेश्चन दूंगा, 790 का स्क्वायर, सातवां 755 का स्क्वायर, आठवां 270 का स्क्वायर, नौवां 315 का स्क्वायर, और दसवां दूंगा मैं 991 का स्क्वायर, तो मेरे दिन 991, 10 क्वेश्चन आपको करने घर पे, स्क्वायर निकालने, क्या निकालने, स्क्वायर, स्क्वायर निकालने, वर्ग हिंदी में क्या इसको वर्ग कहेंगे, समझ में आ गया होगा, वर्ग आप 3 डिजिट का बता दिया और वर्ग में 2 डिजिट का भी आपको बताऊंगा, 2 डिजिट का वर्ग तो नॉर्मल को याद रहता है, 2 डिजिट जैसे मान लो 2 डिजिट का मतलब हो गया कि 20 का स्क्वायर तो याद रहता है 400 होता है, ठीक है, लेकिन जो 2 डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको वीडियो लेकर आऊंगा 2 डिजिट का भी, उसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग जो स्क्वायर है वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और 1 से लेकर 20 तक तो मतलब 1 से की थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होता है, 1 से 20 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है, तो 1 से 20 तक वर्ग आपको याद कर लेना है, उसके बाद जो होती प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि 21, 22, 23, 24, 25 का वर्ग कैसे निकालो, उसका ट्रिक मैं आपको लेकर आऊंगा, कल आपको वर्ग रूट जो होता है स्क्वायर रूट वर्गमूल सॉरी वर्गमूल स्क्वायर रूट आपको कल बताया, उसकी तबाही कल होगी ट्रिक, ठीक है, तो चैनल को दबा कर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है, तो टैली से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो कोई सी भी, और बीकॉम की क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी, बीकॉम जैसे बीकॉम में जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, बिजनेस वाला हो गया, कॉस्टिंग, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग, 11th में जैसे इकोनॉमिक्स भी हो, अकाउंट्स, ठीक है, तो उसका भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, यहीं पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा बोर्ड पर आसान आसान तरीके से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।